जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में राम लला की पूजा की और फिर 84 सेकंड के मुहूर्त में राम लला विराजमान हो गए। पीएम मोदी ने बाद में दिल्ली के आवास पर दीपक जलाए, रामलला की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित किए। ये दोनों हेलीकॉप्टर तो राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला विराजमान हो चुके हैं। पीएम मोदी ने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में राम लला की पूजा की और फिर 84 सेकंड के मुहूर्त में राम लला विराजमान हो गए। चलिए सबसे पहले हम आपको राम लला के दर्शन करवाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में देखिए राम लला को जो अपने घर में विराजमान है, वहीं उसके साथ देखिए उन तस्वीरों को जिसमें पीएम नजर आ रहे। पीएम की 8 तस्वीरें आज पूरी कहानी कह रही हैं। पीएम चांदी के छत्र के साथ मंदिर पहुंचते हैं, फिर गणेश भगवान की पूजा होती है और आगे राम लला के प्राण प्रतिष्ठित विधिवत उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। चरणों में फूल चढ़ाए, अवध बिहारी की आरती की और फिर राम लला की परिक्रमा हुई। उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया प्रभु श्री राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भार आया है, अनाज और बहुत सारा सोना चांदी यहां पहुंचा। साथ ही मंदिर की नींव के लिए मध्य प्रदेश से गिट्टी आई।
असम से गदारा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहत्ता, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से भ्रुता। सदियों का इंतजार समाप्त हुआ और एक नए काल चक्र की शुरुआत हो गई। अयोध्या में पहुंचे सभी राम भक्तों का यही कहना था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की याद दिलाने लगी। प्रभु राम का स्वरूप यहां आए सभी भक्तों को राम राज का आशीर्वाद दे रहा था। रामलला के विराजमान होने के बाद पूरी अयोध्या नगरी अलौकिक दिखाई दे रही थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल सभी मेहमानों के चेहरे पर एक खुशी का भाव भी था। सभी ने सनातन गौरव की वापसी की बात दोहराई। राम आ गए, ये क्षण अलौकिक, ये काल के चक्र पर अमिट स्मृति रेखाएं, भारत अब आगे बढ़ने वाला है। अवधपुरी में रामलला के मूल स्थान पर विराजमान होने के साथ ही राम युग की शुरुआत हो गई है। युग में हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। आज पूरी अयोध्या राम के आशीष से महक रही है। हर कहीं राममय माहौल बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और मुख्य यजमान पीएम मोदी की ओर से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद सभी ने रामलला के अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने मेहमानों में देश के प्रतिष्ठित संत, बड़े अखाड़ों के महंत, फिल्मी दुनिया के दिग्गज, देश के राजनेता, व्यापार जगत की हस्तियां समेत कई खिलाड़ी और समाजसेवी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक समारोह के साक्षी वो भी बने जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने उनका भी फूलों से स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने आए मेहमानों को संबोधित भी किया और अगले 1000 साल के संकल्प को याद दिलाया। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं, काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है
सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। सदियों के इंतजार के बाद प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। इस घड़ी की प्रतीक्षा देश दुनिया के सभी सनातनी कर रहे थे। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को शबरी के इंतजार को भी याद दिलाया और भावुक हो गए। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार, दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी, शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे। प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी हर चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। जैसे ही रामलला अपने मूल स्वरूप में आए तो वहां मौजूद मेहमानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत में नई ऊर्जा है। भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा क्योंकि राम शबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जैसे अयोध्या राम जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों को हुआ था वही अनुभव आज मुझे हो रहा है। बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होते ही अब नए युग की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। घर घर दीप जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में आस्था के गीत गाए जा रहे हैं। शायद यहीं राम युग की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने सूर्योदय प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम ने अयोध्या से लौटने पर निर्णय लिया और अपने फैसले की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य होगा हर घर की छत पर सोलर सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मनाई गई और इस मौके पर दीप जलाए गए और फुलझड़ी भी जलाई गई। सीएम हाउस में इस मौके पर कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। सभी ने दीपोत्सव यहां पर मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर इस समय पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सभी ने दीपावली मनाई है इस ऐतिहासिक क्षण में। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है आज न केवल अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक तरह से भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। हम सबका सौभाग्य है, पूरा देश तो क्या, पूरी दुनिया सनातन संस्कृति की दीवानी हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूरी सरकार ने हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भगवान राम के गर्भगृह में प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। मैं स्वयं ओरछा में उपस्थित था। अभी शाम के समय यहाँ दिवाली का आनंद हमने लिया है। मैं इस अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा के शिवनारायण मंदिर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायण बड़े मंदिर में दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। सीएम साय ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। शिवरीनारायण में सीएम साय ने हजारों भक्तों के साथ अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखा। सबके लिए खुशी का विषय है और छत्तीसगढ़ के लिए तो ज़्यादा खुशी का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की नगरी है। आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया राममय है। और इस अवसर में हम यहाँ पर शिवरी नारायण आए हैं। माता सबरी का एक जन्मस्थली है। वो सबरी माता जो आदिवासी समाज से थी और भगवान राम को प्रेम से अपना जूठा बेर खिलाई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दंतेवाड़ा में भी उत्सव है। माता दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। लोग माता दंतेश्वरी के दर्शन को बड़ी संख्या में पहुंचे। मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाए गए। पूरा मंदिर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मनोरथ पूरा होने का दिन है आज। जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई की थी, कण कण में राम, हर मन में राम, आज अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहाँ पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो आदिवासी क्षेत्र बस्तर में भी खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं बकायदा लगातार बड़ी स्क्रीन एलईडी लगाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखा जा रहा है, न्यूज 18 पर देखा जा रहा है। और साथ ही यहाँ जितने राम भक्त भी है, ये सभी लोगों ने प्रण किया है कि आज जो अयोध्या में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसको लेकर काफी उत्साह है। हमारे साथ काफी लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि राम भक्त आज ये उत्सव बड़ा उत्सव क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को आज के इस मंगल दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह जो क्षेत्र है रामायण कालीन दंडकारण्य क्षेत्र है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के कुछ पल इस क्षेत्र से गुजरे थे। हम सभी इतने हर्षित हैं, इतने आनंदित हैं, इतने उत्साहित हैं कि उसको शब्दों में नहीं कह सकते। बस ये है कि आज जगह जगह एलईडी स्क्रीन बाकी और अन्य माध्यमों से लोग जो हैं वो कार्य को देख रहे हैं। 500 वर्ष बजे आया राम मंदिर के गर्भगृह में हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्यशाली हम लोग कहलाते हैं। 12:55 हमारे जीवन काल में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह अवसर हम अपने आंखों से देख रहे हैं। जन्म धन्य हो गया है और ऐसा पुण्य का काम हमने पिछले जन्म में जरूर किया होगा सभी हमारे पीढ़ी के लोग। आज राम के दर्शन हमारे साक्षात क्या कहेंगे आप? आज का इतना शुभ दिन पर पूरा जगदलपुर भगवामय हो गया है। सभी अपने घर को भगवा कर दिए, यहाँ तक की गाड़ियों तक को भगवा करके जी बताए। आज प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं, जीवन धन्य हो गया, सनातन धर्म की जय हो। और हमारे मोदी जी ऐसा देव पुरुष महामानव, इस महामानव को मेरी उम्र लग जाए। जय जय श्री राम। कहा है कि जीवन धन्य हो जाए। राम भक्तों ने कहा कि राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है और इसे देशवासी देख रहे हैं, बस्तर वासी देख रहे हैं, काफी उत्साह है। श्रीनिवास न्यूज 18 जगदलपुर।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सतना के चित्रकूट में उत्साह दिखा, जहां नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बैतूल में बच्चों ने राम ध्वजा के साथ सड़कों पर स्केटिंग की, जबकि सीहोर के भैरूदा में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जबकि टीकमगढ़ के कुंडेश्वर शिव मंदिर में मंगल उत्सव मनाया गया। वहीं धार में राम भक्तों ने जमकर होली खेली। तो चित्रकूट, बैतूल, सीहोर, टीकमगढ़ और धार, कमोवेश एक सी ही तस्वीरें। पूरा शहर भगवा मैं नजर आया, भगवा झंडों के साथ लोग सड़कों पर उतरे थे। बैतूल में स्केटिंग की है यहाँ पर कुछ युवाओं ने, कुछ बच्चों ने। चित्रकूट में नौका विहार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सीहोर में जमकर आतिशबाजी हुई। धार में भी रैलियां निकाली गई। टीकमगढ़ में सांस्कृतिक